बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह ईमेल सूरत गुजरात से अनवर ख़ान साहब, इन्होंने लिखा है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, मैं सूरत में रहता हूँ और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने नौकरी के साथ साथ अपना ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट भी किया है। उसके साथ मैं कंप्यूटर बेसिक, एमएस ऑफिस वगैरह भी जानता हूँ। हज़रत, अगर मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता हूँ, जिसका असर ये होता है कि मैं कहीं पर नौकरी के लिए जाता हूँ तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लॉकडाउन से पहले मेरा काम ठीक ठाक चल रहा था, मगर लॉकडाउन के बाद नौकरी जाने का अंदेशा है, इसलिए मैं अपने मोहल्ले में CSC सेंटर, नागरिक सुविधा केंद्र शुरू करने की सोच रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं कौन सी स्किल्स सीखूँ जिससे मुझे IT सेक्टर में या सेल्स मार्केटिंग में नौकरी मिल सके, साथ ही इंग्लिश कैसे सीखूं, जवाब का इंतज़ार रहेगा। अनवर ख़ान, सूरत। भाई अनवर ख़ान साहब, देखो, आपने जो सवाल किया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, आप स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। आपने यहाँ पे चार चीज़ें लिखी है जो आप करना चाहते हैं। एक तो आप CSC सेंटर भी शुरू करना चाहते हैं, दूसरा आप कुछ स्किल्स भी सीखना चाहते हैं IT सेक्टर में जॉब के लिए, तीसरा आपको सेल्स मार्केटिंग भी करना है, चौथा आपको अंग्रेज़ी भी सीखना है। तो पहले ये तय करो कि पहले क्या सीखना है, क्योंकि चारों चीज़ें एक साथ में नहीं लेकर चल सकते आप। तो मेरा मशवरा आपको सबसे पहले तो ये है कि पहले आप इस्तेखारा करो और अपने दिल को, अपने ख़यालात को, अपने हवास को पूरा मुजतमिअ करो, एक जगह मुराक़बे में बैठो और सोचो ध्यान तवज्जोह के साथ में कि ये इनमें से पहला स्टेप क्या है, पहली सीढ़ी। वो पहली सीढ़ी पे पहले कदम रखो, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी सीढ़ी। क्योंकि चार काम आप एक साथ में करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा मशवरा ये है, आप इस्तेखारा कीजिए और अपने जहन को इंतशार से बचा कर एकदम आराम से, इत्मीनान से, तो इंशाल्लाह आपको शरह सदर होगा। उसके बाद फिर आप मुझे ईमेल कीजिए, तो फिर मैं आपको उसका तरीक़ा बताता हूँ इंशाल्लाह। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।